हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स डेली टेस्ट एट 8 PM में आज आपका टेस्ट नंबर 4 है, और इससे पहले जो आपके टेस्ट लिए गए हैं यानी कि टेस्ट नंबर 1 से 3 तक, वो आपको प्लेलिस्ट पर जाके मिल जाएंगे या फिर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इस टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस मैं बताऊँगा, उसके बाद आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा और उस 10 सेकेंड के अंदर आपको अपने आंसर्स को अपने कॉपी पर लिखते हुए जाना है। और जब वीडियो एंड होगा तो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना होगा कि आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया है। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो IBPS, SBI, LIC, SSC जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। अब चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा में किस चक्रवाती तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है? ऑप्शंस हैं कल्पना, रुद्रा, राशि या फिर फानी। इस तूफान ने लेकिन ज्यादा हानि नहीं पहुंचाई थी। ओके, इसका राइट आंसर होगा 4th ऑप्शन, फानी। मौसम विभाग के अनुसार तूफान फानी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में तेज होता जा रहा था और अगले 24 घंटे में इसने काफी भीषण तबाही मचाई थी, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की क्लियर पोलोसाक पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं? ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। किस देश की, और ये पहली महिला बनी है जो अंपायर बनी है। ओके, इसका राइट आंसर होगा 4th ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और ये अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब बनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इसका राइट आंसर होगा 3rd ऑप्शन, 29 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस कार निर्माता कंपनी ने अगले वर्ष 1 अप्रैल से डीजल कारों की बिक्री बंद करने का फैसला लिया है? ऑप्शंस हैं टोयोटा इंडिया, मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स, रेनॉल्ट इंडिया। इन्होंने डीजल कारों की बिक्री बंद करने का निर्णय लिया है। इसका राइट आंसर होगा 2nd ऑप्शन, मारुति सुजुकी इंडिया। ये फैसला मारुति सुजुकी इंडिया ने लिया है और अभी मतलब ऐसा प्रयास है कि ऐसा किया जाएगा। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा माइक्रो इंश्योरेंस फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए पैनल का गठन किया गया है? ऑप्शंस हैं इरडा, RBI, IBA या फिर SBI। चार ऑप्शंस हैं, चारों बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर होगा 1st ऑप्शन, इरडा। इरडा के कार्यकारी निदेशक सुरेश माथुर के तहत एक 13 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो कि माइक्रो इंश्योरेंस पर विनियामक ढांचे की समीक्षा करने और ऐसे उत्पादों की मांग बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करेंगी। इरडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खूतिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यूरोपीय संघ ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में साझेदारी को मजबूत करने के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अमेरिका या फिर रूस।
आतंकवाद जो कि पूरे विश्व की एक गंभीर समस्या है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र। आतंकवाद काउंटर टेररिज्म के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने ये घोषणा की है कि न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले काउंटर टेररिज्म पर यूरोपीय संघ संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता के अवसर पर यह रूपरेखा तैयार की जाएगी। एंटोनियो गुतरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं जो कि पुर्तगाल के हैं, और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, जापान या फिर रूस। बेल्ट एंड रोड फोरम की मेजबानी करने वाला देश। ओके, इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, चीन। बेल्ट एंड रोड फोरम यानी कि BRF का दूसरा संस्करण चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया। इसमें लगभग 37 देशों ने भाग लिया है, और इसका जो आयोजन का विषय था वो था बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन शेपिंग ए ब्राइट शेयर्ड फ्यूचर। अब ये जो भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस जो भी अभी आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें डिटेल की नॉलेज चाहिए आपको, तो आप हमारी वेबसाइट या फिर हमारे जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क मिडाफ का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शंस हैं पत्रकार, अभिनेता, खिलाड़ी या फिर लेखक। मार्क मिडाफ, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, लेखक। मार्क मिडाफ का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और उनके द्वारा प्रकाशित नाटक चिल्ड्रन ऑफ ए लेजर गॉड ने 1980 में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए टोनी पुरस्कार जीता था, और ये लेखक थे। तो ये आज का टेस्ट नंबर 4 था। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही किए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आपने कितने सही जवाब दिए हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।